हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं न्यू पार्लियामेंट के बारे में। पांच ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है एज अ स्टूडेंट या एज अ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको इसके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। आपको नॉलेज के लिए भी इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंडिया की न्यू पार्लियामेंट बनी है इसकी कुछ खास चीज़ें हैं जो आज आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट है फीचर ऑफ न्यू पार्लियामेंट। आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि नई पार्लियामेंट की इमारत 1224 लोगों के बैठने की क्षमता रखता है और यह 4 मंजिल का बना हुआ है और इसका क्षेत्रफल 6500 वर्ग मीटर है। इसमें लोकसभा में 888 सीटें और राज्यसभा में 384 सांसद की सीटें हैं, जिसमें लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वह भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है और जो राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा है वह राष्ट्रीय पुष्प से प्रेरित है। नंबर दो, सेंगोल, अ सेप्टर ऑफ पावर। आपने न्यू पार्लियामेंट में सेंगोल की काफ़ी चर्चा सुनी होगी। आइए जानते हैं सेंगोल के बारे में। 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा नई संसद में स्थापित होने वाली अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए सेंगोल प्राप्त किया था। यह एक स्वर्ण लेपित चांदी का राजदंड है जिसके शीर्ष पर नक्काशीदार नंदी हैं जो न्याय की अवधारणा का प्रतीक है। नंबर तीसरा है नेशनल एम्ब्लेम। यह राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है जिसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे नए संसद भवन के केंद्रीय प्रांगण के शीर्ष पर कास्ट किया गया है। नंबर फोर है नीड फॉर न्यू पार्लियामेंट। आपके दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर होगा कि न्यू पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत थी, पुरानी वाली थी उसी में चलता सब कुछ काम। तो आइए जानते हैं कि हमें न्यू पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, जो पुरानी संसद थी वो अग्नि सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ता था क्योंकि इसे वर्तमान अग्नि सुरक्षा मापदंडों के अनुसार डिज़ाइन नहीं किया गया था और यह लोकसभा में 543 सांसदों और राज्यसभा में 250 सांसदों को समायोजित नहीं कर सकती थी। इसके अलावा पानी की आपूर्ति, एसी आदि में अनियोजित वृद्धि के कारण रिसाव हुआ जिसे बुनियादी ढांचा समझौता और सौंदर्य दोनों बिगड़ गया था। ये नए संसद की ज़रूरत थी जो सही भी है। नंबर फाइव, न्यू इंडिया। भारत अब तेज़ी से विकसित देश की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और जिससे संभव है कि भारत कुछ सालों में एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा, हमें आशा है कि भारत ऐसे ही ऊँचाइयों को छूता रहेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।